बारे में कुछ क्लियर नहीं पड़े, क्योंकि उसकी कास्टिंग अभी लॉक नहीं हुई है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। अभी जो भी खबरें आ रही हैं वो फिल्म से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, नथिंग इज फाइनलाइज येट। मतलब सिद्धार्थ और आलिया नहीं है फिल्म में, मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी स्क्रिप्ट में ही चल रही हैं। जब तक स्क्रिप्ट फाइनल नहीं होगी वी कान अनाउंस अबाउट आशिकी। वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन, या ओवर देयर। इसलिए मैं मेकअप और बाल वाल बना के आया था आज। चलिए, किसने कोई सवाल तो पूछा, थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत सारे इस्टेब्लिश सिंगर्स थे और अचानक से एक, लोग हमेशा चेंज चाहते हैं, नई आवाज़ें, एक नई ट्रेंड्स आ जाती हैं। मैं बस खुश हूँ कि पिछले 20 साल से लगा हुआ हूँ और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत, जो ज़्यादातर सिंगर्स की शुरुआत टी सीरीज़ के साथ हुई है, मेरी शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकंड इनिंग है ये, इसकी शुरुआत टी सीरीज से हुई है। सो आई थिंक इट्स गोइंग बी फैंटास्टिक और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और चाहता हूँ कि आगे और बहुत सारे गाने करें साथ में, बहुत सारे सिंगल्स करें। और बस आप सबका एक रिएक्शन चाहता हूँ, ये गाना आपको पसंद आया, सबको अच्छा लगा? वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, वी आर डूइंग सम सॉन्ग्स इन विच शान इज सिंगिंग विच यू विल लिसन सून, बहुत जल्दी सुनेंगे। इट्स नॉट कि मैं खुद चूजी हूँ या मैं नहीं चाह रहा हूँ गाने, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। No, he's gone way ahead. I wouldn't call him competition at all. I think he's doing very well. And I'm very, because एक अच्छी talent जब आगे जाती हैं और लोग उसे पसंद करते हैं तो ये music के लिए अच्छी बात है। और as long as it's good for music, it's good for all of us. Obviously, being a mother, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा। हाँ, बस एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार सूरज गोवा में हम लोग गए थे, वहाँ पर बाइक का एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरह से, एंड ही वाज ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर, कोई उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। दैट वाज 2011। उसके बाद मुझे बहुत डर लगता है एक्सीडेंट से, इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि हर माँ और बाप को इस तरह का कोई मंजर देखने को ना मिले, बस। अमेजिंग, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। वी विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन ओवर देयर, या सब चीज़ों के लिए सेंसरशिप होता है। आपको किसने बोला नॉन फिल्म सॉन्ग के लिए सेंसरशिप नहीं होता है? हर गाना सेंसरशिप होता है, चाहे वो रैप गाना हो या नॉन फिल्म गाना हो या फिल्मी गाना हो, एवरीथिंग इज सेंसर्ड। कूल है, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू हमारे जो महानुभाव हैं यहाँ। Yeah.
सर मेरे लिए ये एक मेरी थर्ड सिंगल है जो मैंने किया है. मैंने टी सीरीज़ के साथ मैं रहूँ या ना रहूँ किया है, चल वहाँ जाते किया है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं किया है. ये मेरा फोर्थ सिंगल है जो शान सर के साथ मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है. इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल गाना बनाया मैंने और बहुत ही ब्यूटीफुल लिरिक्स विराग साहब ने लिखे, तो बस होपफुली दिल को छुए सबके और गाना सक्सेसफुल हो. सब यही उम्मीद करते हैं जब एक चीज़ की जाती है. आई थिंक ग्रुप टीम एफर्ट है. आइडिया हमेशा भूषण जी से ही शुरू होता है. वो कहते हैं कि कुछ यू नो एक गाना बनाओ या कुछ करो, तो उनसे आइडिया शुरू होता है और मुझ पे और विराग सर से आगे बढ़ती है बात और डायरेक्टर और एक्टर्स उसे ख़त्म करते हैं. तो एक टीम एफर्ट है जहाँ सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया. म्यूज़िक में सर आप सबको पता है पहली पिक्चर और म्यूज़िक डायरेक्टर का ओहदा सलमान खान सर ने दिया और उनके बिना मैं यहाँ पे नहीं होता. तो जय हो जो मेरी पहली पिक्चर थी वो सलमान भाई ने मुझे दी. एंड उसके बाद मुझे सूरज डूबा है बनाने का मौका भूषण कुमार सर ने रॉय में दिया और वहाँ से कहानी आपने खुद ही देखी है, बहुत ही सक्सेसफुल रही है और कोशिश ये है कि और मेहनत करूँ और अच्छे अच्छे गाने बनाऊँ बस. मेरे फैमिली में तो सब ही काफ़ी दिग्गज कंपोज़र है. अन्नू जी, मेरे पापा, मेरे ग्रैंडफादर श्री सरदार मलिक, वो बहुत ही बड़े लेजेंड है. तो उनके अलावा मैं प्रीतम सर और रहमान सर को बहुत मानता हूँ और उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ. कौन सा इसका है? ठीक है. हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, तुम हो तो लगता है मैं हूँ, ना हो तो लगता है क्यों. सर अभी महेंद्र सिंह धोनी जी के लाइफ पे जो पिक्चर है, MS धोनी, नीरज पांडे जी ने जो डायरेक्ट किया, वो मेरी फिल्म है. उसमें मेरे सारे गाने मेरे हैं. मेरी काफ़ी बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे करियर के लिए. तो एक वो है और एक है बार बार देखो, एक्सेल एंटरटेनमेंट की और धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ है. बट दोनों ही फिल्म्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब मैं फिल्म्स नहीं करता तो मैं म्यूज़िक वीडियोस में थोड़े गाने बना लेता हूँ. क्या फिल्मों में नजर आएंगे एक्टिंग करते? नहीं सर, ये तो मैं हिमेश जी को ही करने दूंगा, मैं नहीं कर सकता, ये उनको ही आता है, हमें नहीं आता ये सब. बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ. बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े तादाद में ये लॉन्च हुआ है. भूषण जी का यहाँ मौजूद होना, अमाल, सारे हमारे रश्मि जो ने बहुत अच्छा इस गाने को लिखा है, हमारे पूरी कास्ट, हमारी डायरेक्टर साहिबा, सब एक छोटे से नोटिस पर सब यहाँ मौजूद हुए. और तो वाकई ऐसा आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल, फीलिंग वेरी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि इतना अच्छा लॉन्च हुआ. और ये गाना वाकई में कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल से एक फीलिंग आती है. तो इस गाने को सुनकर, जब भी मैं सुन रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं नहीं गाया लेकिन फिर भी सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये गाना लोगों को बहुत पसंद आएगा. वीडियो बहुत खूबसूरत है. इस गाने की जो सोल है, इस गाने की जो एक इश्क, मोहब्बत, प्यार, अपनापन, चाहतों के बारे में जो इस गाने में एक फीलिंग जागती है, वो एक हमेशा दिल में रहने वाली फीलिंग है. तो ये गाना बहुत आगे जाएगा. मैं जानता हूँ कि आज सोसाइटी या यंगस्टर्स, उनको यू नो दे आर इनटू दैट फास्ट म्यूज़िक और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट खुशी के तलाश में है. लेकिन इस गाने में वो बात है जो कहीं ना कहीं ऐसे मन में चुप जाएगी कि वो इंस्टेंट भी इफ़ेक्ट होगी और इफ़ेक्ट लंबे अरसे तक उनके दिलों तक रहेगी. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. आपने बहुत पुरानी ये बात याद छेड़ दी. अरे ये जी सिनेमा, मूवीज, मस्ती, मैजिक, इस तरह का कुछ था. तो मेरा बिल्कुल सबसे पहला वो गाना और वीडियो भी था और उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैंने बहुत पार्टी की थी रात भर और सुबह आधी नींद में किसी भी हालत में वो वीडियो मैंने किया था. लेकिन आई थिंक आई वाज वेरी यंग देन. उन दिनों में ऐसी चीज़ें कई बार किया था और
किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन अब ऑफकोर्स उम्र हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही यूथ, वही एंथुजियाज़म, वही जोश, वही पैशन आज भी कहीं ना कहीं मुझ में है, और मैं चाहता हूँ कि वही यंग मैं हमेशा रहूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, डब्बू जी, डब्बू मलिक जी के साथ मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, और उनमें से कई गाने अच्छे भी चले हैं, और वो हमेशा मुझे कहते थे कि मेरा जो बड़ा बेटा है पियानो कमाल बजा रहा है, और अरमान से तो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हुआ था जब अरमान हार्डली 10 साल के थे, और मैं एक शो होस्ट कर रहा था लिटिल चैम्स 2006 में, जब अमाल टॉप 4 में आए थे, और बहुत ही अच्छा उनकी आवाज़ की एक टेक्सचर, एक बहुत ही एक सादगी थी जो मुझे बहुत पसंद था। अमाल को मैंने तब सुना जब उनका एक गाना मैं गाया उनके लिए, अमाल तब सिर्फ 18 साल के थे, एंड आई थिंक दीज आर ऑल ओल्ड स्टोरीज दैट आर ऑल कमिंग बैक, बट उनके ऑफकोर्स अनुजी के लिए मैंने 50 से ज़्यादा गाने गाए हैं, और आशा करता हूँ आगे भी गाते रहूँगा उनके लिए। ही इज़ यू नो एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ, इतना लंबा करियर शायद ही किसी म्यूजिक डायरेक्टर का पूरे बॉलीवुड हिस्ट्री में रहा हो, एंड स्टिल रनिंग, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट अमाल इज़ टेकिंग द लेगेसी अहेड एंड मेकिंग हिज ओन मार्क, एंड ही इज़ अ टैलेंट दैट इज़ हियर टू स्टे, और कुछ वो कहते कि वो क्या पालने में पाँव नज़र आ जाते हैं, ऐसी कुछ थी कि यू कैन ऑलरेडी टेल दैट, यू नो, मैं जब वो पहला ही गाना उनके लिए गाया था ऑलमोस्ट 10 साल पहले, मुझे पता था कि यू नो ही इज़ फैंटास्टिक एंड ही प्रूव दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मुझे कोई स्ट्रगल कभी नहीं करना पड़ा, और आई थिंक देखिए किस्मत की बात होती है कि विद्या कई लोगों के पास बहुत है, सीखे सधे, लेकिन सक्सेस उस तरह से नहीं मिल पाती, और कुछ लोगों को यूँ ही मिल जाती है, मैं उनमें से हूँ जिन्हें ऐसे ही मिल गई सक्सेस, और मेहनत तो मैं अब कर रहा हूँ, अब मैं रोज़ उठकर रियाज़ कर रहा हूँ, और इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सक्सेस चाहिए, क्योंकि वो विद्या या वो कला छूट जाती है अगर उसे आप हमेशा की तरह उसे ना तराशें, तो कल तक आप जो थे वो आज अलग हो सकते हैं, तो अपने आप को हमेशा तैयार रखना, अपने आप को हमेशा यू नो जैसे मैंने कहा कि let the age not catch up and stay youthful, stay strong, stay good, stay positive. That's how I like to live life. 95 तो आपने मुझे मैं आपको बताऊं कि मैं 4 साल की उम्र से प्रोफेशनली गा रहा हूं, और तो उस हिसाब से मेरे 40 साल सिंगिंग करियर के होने आए हैं, सारे बचपन के सारे बिस्किट्स की एड्स हो, फिर ये जो ड्रिंक्स होती है ना दूध के साथ मिलाकर बच्चे पीते हैं, तो उसके गाने, अभी प्रोडक्ट्स के नाम नहीं ले सकते हैं, फिर बच्चों की साइकिलें, फिर टमाटो केचप, बहुत सारे एड्स किए बचपन में, और तब से गाते आ रहा हूँ। तुम हो तो लगता है मैं हूँ, ना हो तो लगता है क्यों हूँ, तुम हो तो उड़ता है मन ये, ना हो तो ठहरा सा है क्यों, और मैं गाता लेकिन इनके हाथ दुख रहे हैं। क्या गाता है?